तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफिनिटी डिजिटल। तो बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनी स्टैटिक टेस्ट पेपर 2 का फिजिक्स सॉल्यूशन। तो बिना देरी के स्टार्ट किया जाए बच्चों, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 पे देखिए। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन: A hollow spherical conductor of radius capital R is given a charge Q. Work done in moving a charge Q from its center to surface. तो बच्चों, यहां पे दे रखा है कि ये है आपका spherical conductor. Hollow spherical conductor को जब आप चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां जाता है? सरफेस पे जाता है। लेट सपोज चार्ज सरफेस पे गया, ठीक है बच्चा। नाउ ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। अब यहां पे बच्चों पूछा है कि चार्ज को मूव करवाना है, चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। तो यहां पे चार्ज अवेलेबल है, इस चार्ज को यहां से सरफेस पे ले जाना है, इसमें वर्क डन क्या इन्वॉल्व? तो बच्चों आप सभी जानते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज जिसको मूव करवाते हैं इनटू चेंज इन पोटेंशियल, लिख दीजिए। सो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज, नाउ फाइनल पोजीशन, ये क्या सरफेस का पोटेंशियल और ये क्या सेंटर का पोटेंशियल। तो बच्चों क्या लिखेंगे, सरफेस पोटेंशियल माइनस ऑफ सेंटर, ऐसा लिख दीजिए, सेंटर है ना। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही सेंटर पे होता है। सरफेस पे पोटेंशियल और सेंटर पे पोटेंशियल एकदम बराबर होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। इसका मतलब वर्क डन क्या आएगा बच्चा, जीरो आएगा। तो क्यू इंटू जीरो, तो करेक्ट ऑप्शन आप चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दे रखा है, 4 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू कैप्ट एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए बॉडी ऑफ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए बच्चों, है ना। 4 कॉर्नर यहां पे क्या होगा बच्चा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ साइड एच। वर्क डन टू रिमूव ए चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी। तो देखिए बच्चों, इसका जो फिगर होगा कैसा होगा, देखिए फिगर अवेलेबल है, ये फिगर होगा। यहाँ पे स्क्वायर अवेलेबल है, इसके कॉर्नर पे चार्ज अवेलेबल है और यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज है माइनस क्यू का चार्ज। इस चार्ज को सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक ले जाने में, चार्ज को सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क डन क्या इन्वॉल्व होगा? अगेन मेथड वही होगा, वर्क डन इज इक्वल टू किस चार्ज को ले जाना है ना, क्यू इंटू पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको 2 पॉइंट दे रखा है ना, 2 पॉइंट दे रखा है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, है ना, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला भी यूज होगा आप। तो यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला आप लिख दीजिए, क्यू इंटू, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल। सो वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए किस चार्ज को ले जाना है, माइनस क्यू पे ले जाना है, द पोटेंशियल चेंज इन्फिनिटी माइनस ऑफ सेंटर पे चाहिए, है ना, सेंटर पे रखा है, सेंटर पे लिख दीजिए, सेंटर पे रख दिया। देखिए बच्चों, अब हम जानते हैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, आई होप आप सभी पर, है ना। तो देखिए बच्चा क्या आ जाएगा, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू और ये माइनस है ना, माइनस वी नॉट। तो बच्चों यहां से आ गया क्यू इंटू वी नॉट आ गया, सो वर्क डन होगा क्यू इंटू वी नॉट। नाउ अब सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, सिस्टम में जितना भी चार्ज अवेलेबल है सभी की वजह से सेंटर पे निकालना है। तो यहां से निकाल लीजिए वी नॉट इज इक्वल टू, है ना, कितना डायरेक्ट लिखे बच्चा लोग, के फोर के क्यू, फोर चार्जेस है और ये सेपरेशन देखिए सेंटर से, सेपरेशन ए बाई रूट टू। तो बच्चों आ जाएगा 4 रूट टू के क्यू अपॉन ए। तो आंसर आप आराम से लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 रूट टू के क्यू स्क्वायर। ना ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। तो यहां से देखिए ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन में, देखिए यहां पे तो के इन्वॉल्व नहीं है, सो के की जगह फॉर्मूला लिखिए, के क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये वैल्यू चेक कीजिए।
अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। अब ऑप्शन में जाइए, चेक कीजिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या आया यहाँ पर, रूट टू, ऑप्शन नंबर थ्री। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर थ्री आ रहा है, रूट टू क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट। तो सेम ट्रिक से बनाना था, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर गिवेन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज एक्स डायरेक्शन है ना। कौन सा डायरेक्शन है बच्चा, एक्स डायरेक्शन। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो फील्ड से क्या 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये हो गया ईपीएस, 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 ईपीएस। तो ये ईपीएस होगा, अब करेक्ट ऑप्शन ढूंढना। अब ये जो ईपीएस होगा इस प्लेन से क्या 90 डिग्री पे होगा, ऐसा है ना, ये एक्स वाई प्लेन है ना। तो यहां से आप ऑप्शन पे जाइए, क्या लिखेंगे, प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, और कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस अराउंड एक्स वाई। तो अब यहाँ पे खोजना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में अवेलेबल है। सो प्लेन पैरेलल टू, यस ऑप्शन कौन सा होगा, प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन होगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन क्या होगा, इससे क्या होगा 90 डिग्री पे होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर एंड ऑन डायलेक्ट्रिक इज 50 एंड 100 माइक्रोफेरा, द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो देखिए बच्चों क्या दे रखा है, एयर के लिए कितना है 50, और अगर डायलेक्ट्रिक है सो 110 माइक्रोफेरेट। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर डायलेक्ट्रिक होता तो क्या लिखेगा, डायलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है के टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो डायरेक्ट लिखेंगे सी बाई सी नॉट कर दीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। सो के इज इक्वल टू सी बाई सी नॉट, और ये वैल्यू लिखिए 110 डिवाइडेड बाई 50 कीजिए, कैंसिल कीजिए 11/5। अब यहाँ पे चेक कीजिए 11/5, यहाँ पे डेटा होगा 2 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस। तो बच्चों कैपेसिटी क्या होता है, आइसोलेटेड इसका रेडियस आर, सेंटर ओ, चार्ज क्यू। तो बच्चों आप जानते हैं इसका कैपेसिटी होता है, कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, सी प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, सी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। तो बेस्ट ऑप्शन टिक कीजिए प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4। किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का ये कैपेसिटेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस, मतलब एयर, सो एयर के लिए फॉर्मूला, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एयर ठीक है। ये तो एयर का कितना दे रखा है 18, तो सी नॉट इज इक्वल टू 18 माइक्रोफेरेट, सी नॉट इज गिवन। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज ट्रिपल, नाउ डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है तो डायलेक्ट्रिक भी रखा जाता है, कैपेसिटेंस बिकम 72 माइक्रोफेरेट, फाइंड द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। नाउ सेपरेशन क्या किया गया, ट्रिपल किया गया, 3 टाइम्स किया गया। इसका मतलब बच्चों क्या लिखेंगे, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू के होगा, एरिया में कोई चेंज नहीं है, यस डिस्टेंस कितना किया गया, थ्राइस डी किया गया। अब यहीं से थोड़ा फॉर्मूला चेंज कीजिए, के बाई थ्री एक साइड लिखिए और ये देखिए एप्सिलॉन नॉट, यहां वैल्यू पुट कीजिए, तो के बाई थ्री इंटू सी नॉट, तो के क्या आ जाएगा 3c/c0। नाउ वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू, और सी का वैल्यू दे रखा है 72, 72 लिखिए यहाँ पर 72 डिवाइडेड बाई 18 कीजिए,
अच्छा फोर, तो ट्वेल्व, ट्वेल्व आ रहा है। तो डायलेक्ट्रिक का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्वेल्व। आई होप आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, तो देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है अगेन कैपेसिटर का है। द पोटेंशियल ऑफ टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर गिवेन। नाउ द चार्ज ऑन वन प्लेट इज ऑल्सो गिवेन, व्हाट इज द कैपेसिटेंस? तो बच्चों यहां पे डायग्राम देखिए कि चार्ज क्या होता है, क्यू माइनस क्यू, नाउ वी प्लस वी माइनस, सी इज द कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सी निकाले। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। नाउ वट इज वी? वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट। नाउ वट इज गिवेन? 10 माइनस 10, सो इट इज अवेलेबल 20 वोल्ट, 20। सो क्या लिखेंगे? चार्ज कितना दिया गया? चार्ज इज गिवेन 40 कूलम, 40 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू 2 फैराड। आंसर क्या होगा? 2 फैराड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको टिक कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए क्या दे रखा है, रीड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखिए दे रखा है, एन एयर कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी, एक्वायर्स अ चार्ज क्यू एंड एनर्जी ई। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड डायलेक्ट्रिक इज कैप्ट बिटवीन द प्लेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा यहां पर चार ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन? क्या होगा? देखिए क्या दे रखा है, पहले समझिए। देखिए क्या दे रखा है, कैपेसिटर is charged with the help of the battery. Yes, it is charged with the help of the battery. Now ye fully charged ho gaya, it is fully charged, capacitor is fully charged. Q minus Q, C and now V, these are the initial condition, these are the initial condition, it is available. Iske baad de rakha hai ki fully charged ke baad capacitor ko hata diya gaya hai. Now capacitor ko remove kar dijiye, ye figure available hai. Remove karne ke baad अब दिया दे रखा है कि डायलेक्ट्रिक रखा, डायलेक्ट्रिक इज कैप्ट, तो यहां पे डायलेक्ट्रिक रख दिया गया, डायलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट की। नाउ व्हाट अबाउट चार्ज, व्हाट अबाउट एनर्जी एंड व्हाट अबाउट, ये सोचना है हम लोग। लेट डिस्टेंस तो डी होगा, डिस्टेंस डी होगा। नाउ बच्चों कंपेयर करना है कि किस पे इफेक्ट होगा। देखिए ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पे डायलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा डायलेक्ट्रिक रखने से। तो देखिए अगर ये सी है तो फाइनल कैपेसिटेंस आप क्या लिखेंगे? के टाइम्स ऑफ सी, ऑफ कोर्स। तो ये इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। आई होप क्लियर। नाउ अगर ये बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है फुली चार्ज के बाद, इसका मतलब क्या हो गया? आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया, और आइसोलेटेड कैपेसिटर का चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। So, डायलेक्ट्रिक रखने के बाद भी चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या लिखेंगे? फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, नो चेंज। चार्ज क्या होगा? सेम होगा, सेम चार्ज, यस सेम चार्ज, सेम चार्ज में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। सी इंक्रीज होगा। नाउ व्हाट अबाउट वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा था? बच्चों देखिए वोल्टेज कैसे लिखते हैं, तो वोल्टेज लिखने का तरीका, फाइनल वोल्टेज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज अपॉन फाइनल कैपेसिटेंस, बट चार्ज इज नॉट चेंजिंग बट कैपेसिटेंस इंक्रीजिंग। देखिए चार्ज चेंज नहीं होता है, लेकिन ये जो कैपेसिटेंस है ये क्या इंक्रीज हो गया, इसका मतलब वोल्टेज डिक्रीज, यस वोल्टेज डिक्रीज हो गया। आई होप क्लियर है। तो वोल्टेज आपका डिक्रीज हो गया, वोल्टेज डिक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, वोल्टेज डिक्रीज हो गया, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। व्हाट अबाउट एनर्जी, एनर्जी का कंसेप्ट देखिए। तो भाई एनर्जी क्या, सो एनर्जी क्या लिखेंगे? फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन ट्वाइस फाइनल कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं है, चार्ज में कोई चेंज नहीं है, तो वही लिख दीजिए, लेकिन फाइनल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है। तो देखिए नीचे में के फैक्टर आ गया है, फर्स्ट यहाँ पे इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी होगा, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज हो गया है ना। तो यहाँ एनर्जी डिक्रीज हुआ है, इनिशियल एनर्जी बाई की एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। तो बेस्ट ऑप्शन खोजते हैं। देखिए बेस्ट ऑप्शन ये पढ़िए, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, ये ऑप्शन सही नहीं है बच्चों, है ना। यस ऑप्शन थर्ड, चार्ज रिमेंस अनचेंज, आइसोलेटेड है, चार्ज चेंज नहीं करेगा,
सी इंक्रीज हो रहा है एनर्जी और वोल्टेज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। कौन सा बेस्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड। चेक कीजिए आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, टू मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 आर फिल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सिस्टम? इस गिवन सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए ये है एयर, ठीक है, बीच में एयर था, अब क्या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब बच्चों बताना है इस सिस्टम का न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा। आई होप देखिए इस रीजन को मानेंगे, दिस रीजन बिहेव्स लाइक इंडिपेंडेंट कैपेसिटेंस, इंडिपेंडेंट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। नाउ वन बाय वन निकाल लीजिए। अच्छा अब ये दोनों क्या दिख रहा है बच्चों, दोनों का पहला प्लेट एक जगह दूसरा प्लेट एक जगह, मतलब दोनों पैरेलल में है। तो सिंपल सा ट्रिक, सो आंसर शुड बी C1 प्लस C2 कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। किस में है? ये दोनों पैरेलल में है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ निकालिए वैल्यू निकाल के ऐड कीजिए। तो C1 इज इक्वल टू आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट यस K1 ए बाई ट्वाइस डी। नाउ C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2 ए बाई ट्वाइस डी। सो फाइनल आंसर शुड बी कॉमन ले लीजिए एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस डी K1 प्लस K2। तो इस प्रकार से ये सवाल बन चुका है, आप देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट ए ट्वाइस डी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको आया होगा समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज अप टू पोटेंशियल V एंड देन कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2। द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी यस। तो देखिए जब भी हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, फाइनली दोनों का पोटेंशियल बराबर होता है, उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। हम लोगों को निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो बच्चों कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, नाउ फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। लेकिन दूसरा वाला जो कैपेसिटर है ये तो अनचार्ज। अब अनचार्ज का मतलब क्या? अनचार्ज का मतलब होता है कि V2 जीरो होगा। क्या होगा बच्चा लोग? V2 शुड बी 0 वोल्ट। नाउ वैल्यू पुट कीजिए। तो VCM इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द गिवन V प्लस यस इट इज गिवन C2 इंटू 0 और नीचे भी क्या C1 प्लस C2 कीजिए। तो VCM मिला बच्चा लोग C1 प्लस C2। तो ऑप्शन यहाँ पे चेक करना होगा तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन लग रहा है, C1 प्लस C2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चा लोग। आई होप आपको आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू द डायग्राम? इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्या होगा कैपेसिटर? देखिए बच्चों तो इस तरह का सवाल बेहद सिंपल है। ये जो सर्किट है, सर्किट इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? व्हीट स्टोन ब्रिज। यस इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बच्चों यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग आपको इस प्रकार से सर्किट मिलने वाला है, आपको जो है सर्किट जो है ऐसा मिलेगा, देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैपेसिटर, नाउ द सेकेंड वन, नाउ अगेन थर्ड वन एंड फोर्थ वन आपको ऐसा मिलने वाला है। और बीच में बच्चा लोग बीच में जो है यहाँ पर आप इसको देखिए क्या दे रखा है, पॉइंट है ये आपका एक्स है, लेट सपोज पॉइंट इज वाई, ठीक है। तो बच्चा 6 6 6 एंड ये कितना है 20। आप चेक कर लीजिए क्या ये बैलेंस है कि नहीं है, आप इसको चेक करना। तो देखो भाई C1 by C2 यस बैलेंस का क्या होता है, C1 by C2 इज इक्वल टू C3 by C4। नाउ अगर हम चेक करें 6 by 6 इज इक्वल टू 6 by 6 विच इज इक्वल टू 1, बोथ आर सेम, इसका मतलब बैलेंस है। तो बैलेंस के लिए जल्दी से इसको रिमूव कीजिए, कोई काम नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 1 ये 2 और नीचे बच्चा ये बना दीजिए 6 6 6 6। सो फाइनल फिगर ये हो गया 1 इक्विवेलेंट, ये भी हो गया इक्विवेलेंट। अब ये सीरीज में है कितना होगा 3 सीरीज में 3। नाउ बोथ आर पैरेलल, तो फाइनल आंसर इज
प्लस थ्री इज 6 माइक्रो फेराइट। तो चेक कीजिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इज द करेक्ट ऑप्शन, 6 माइक्रो फेराइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज, यस इट इज गिवन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, अगर पोटेंशियल अवेलेबल होता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आपको बारी बारी से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है और यहाँ पे रिजल्ट देख लेना है। सो माइनस 5x प्लस 3y रूट 15z ऐसा लिख दीजिए। अब आराम से बच्चों ex निकाल दीजिए, आई होप आप लोग निकाल चुके होंगे ex डेल्टा v बाई डेल्टा x। नाउ जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये देखिए बाकी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, तो क्या मिलेगा प्लस 5 मिल जाएगा यहाँ से प्लस 5। इसी तरह से ey निकालना है तो अगेन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आ जाएगा माइनस 3 आएगा। नाउ इसके बाद अगर z के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चा लो तो ये आएगा माइनस रूट 15 देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रूट अंडर, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल वेक्टर का सहारा ex स्क्वायर ey स्क्वायर e स्क्वायर z कीजिए। सो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस रूट 15 स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा बच्चा लो 25 प्लस 9 प्लस 15 विच इज इक्वल टू रूट 49 विच इज इक्वल टू 7। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। तो जब कभी किसी प्रॉब्लम में पोटेंशियल दिया रहे, हम लोगों को सिंपली क्या करना होता है, हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है, उसके हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट आएगा, देन हम लोग इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, थ्री चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर कैप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। ये सिंपल चीज है, इस सिस्टम का एनर्जी जीरो है तो क्या वैल्यू होगा, चार्जेस का क्या वैल्यू होगा, है ना, ये कैपिटल क्यू। तो बच्चा थ्री चार्जेस है, 3 PN, PN नंबर 1, PN नंबर 2 एंड PN नंबर 3। सो लिखते हैं, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। नाउ लिख दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्यू स्क्वायर बाय लेंथ प्लस सेकेंड के क्यू बाय एल प्लस के क्यू बाय एल इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये लिखना है, फर्स्ट इसके लिए लिखना है, फिर इसके लिए लिखना है, फिर इसके लिए लिखना है, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस के अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल। नाउ कैंसिलिंग आउट, बहुत सारा टर्म्स है, के कैंसिल कीजिए, के कैंसिल कीजिए, क्यू कैंसिल कीजिए, क्यू मिला, सो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू। आंसर इज दिस, माइनस क्यू बाई टू। रिजल्ट देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, माइनस क्यू बाई टू। एनर्जी जीरो मतलब क्या, सभी का एनर्जी निकाल लीजिए, जितना पेयर है क्रॉसपॉन्डिंग ईच पेयर एनर्जी निकालिए, उसको आपको जीरो के बराबर करना, तो वहां पे हम लोगों को चार्जेस का वैल्यू अवेलेबल होगा। नाउ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, यहां पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। Now for a charged particle, moving from point P to Q, the net work done by an electrostatic field on the particle is independent of the path connecting point. Yes, electric field जो work करता है, since the nature of electric field is conservative, therefore its work is independent of path, but depends on initial and final point. ठीक है, तो ये तो correct है, statement 1 जो है आपका correct, correct. Now go for second statement. The work done by a conservative force on an object moving along closed loop is zero. Yes. और ये तो सही है ना कि भाई conservative है इसलिए ऐसा होता है, तो ये correct explanation हो गया। तो अब यहां से option check कीजिए, statement ये सही नहीं है, ये option देखिए इसमें false है, statement option number 4, statement 1 is true, statement 2nd is true, statement 2nd is the correct. Yes, option number 4 करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4 पे जाइए,
सेकेंड क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन नंबर फोर। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ए मेटल सीट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन द थिकनेस ऑफ द मेटल सीट इज हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट द न्यू कैपेसिटेंस विल बी। तो देखिए क्या दे रखा है, अगेन फिगर हम बना सकते हैं, हम लोग इस प्रकार से फिगर अवेलेबल है कि यहाँ पर एक मेटलिक प्लेट रख दिया गया है और ये डी है और ये जो इसका थिकनेस दे रखा है, सर थिकनेस कितना दे रखा है, डी बाई टू इट इज गिवन टू अस। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस होगा, तो इनिशियली कैपेसिटेंस इज गिवन, इनिशियल कैपेसिटेंस इज गिवन कितना, 80 दे रखा है। नाउ मेटलिक प्लेट रखने के बाद क्या होगा ये निकालना है, तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के, यही होता है फॉर्मूला पार्शियल फील्ड का। और ये मेटल है तो मेटल का बच्चों के इन्फिनिटी लिखिए तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी बाई टू विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई टू। सो बच्चों ये टू टाइम्स ऑफ इनिशियल विच इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ इनिशियल, ऐसा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन दर्शाता है, ऑप्शन थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या देखा है, ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नाउ सेम ऑल द पॉइंट, मैक्सिमम क्या होगा। तो देखिए बच्चों ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे सबसे कम यहाँ होगा, फिर यहाँ सबसे ज्यादा बी पे होगा। अगर हमको लिखना होगा पोटेंशियल सबसे ज्यादा बी पे होगा, उसके बाद सी पे होगा, उसके बाद ए पे होगा, बराबर तो होगा नहीं बच्चों। तो क्या होगा, मैक्सिमम एट बी, यस मैक्सिमम बी पे होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मैक्सिमम एट बी कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सो बच्चों क्या दे रखा है, ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली, यस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल, यस एक रॉड है, इसमें चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट लाइंग एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड, ये यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, तो चूंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम लोग पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट चार्ज कंसिडर करना होगा। तो आई होप आप सभी को याद होगा, तो पॉइंट चार्ज मान लीजिए, लेट सपोज कहीं भी मान लीजिए पॉइंट चार्ज, लेट सपोज ये पॉइंट चार्ज है, थिकनेस dx, dq इस पे चार्ज। नाउ इससे दूरी, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है क्या है, x मान लीजिए। नाउ इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो निकाल लेते हैं, सो पोटेंशियल dv इज इक्वल टू k dq बाई x, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों याद होगा dq कैसे लिखते हैं, dq इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx, आई होप क्लियर। नाउ बच्चों यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, सो dv इज इक्वल टू k बाय x q l dx, सो dv इज इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए dx बाय x, बाहर एक तरफ कर, एक तरफ कर लीजिए कांस्टेंट। नाउ बच्चों इस तरह का बहुत सारा यहां पे एलिमेंट होगा, ऑफ कोर्स बहुत सारा एलिमेंट पाया जाएगा, तो सभी के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, सो इंटीग्रेशन k q बाय l इंटीग्रेशन करना होगा dx। नाउ कहां से कहां तक करेंगे, l से लेके, है ना, एल से लेके ट्वाइस एल तक करना पड़ेगा, क्या लिखना है, एल टू ट्वाइस एल। सो बच्चों के क्यू बाई एल, नाउ लॉग ई, अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चा लोग, लॉग ई क्या, एक्स, और अगेन नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ट्वाइस एल बाई एल के जी, सो के क्यू एल लॉग ई कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस करें क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम लोगों को दिख रहा है कि फॉर्मूला तो यही होगा, अगर चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, q log e2 और नीचे बचा लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो है वो 4 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। आई होप आपने जरूर बनाया होगा, प्रैक्टिस किया होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ट्वाइस आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटेलिक सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। यस, फ्रॉम द सरफेस, यहां से एक पॉइंट चार्ज क्यू को रखा गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेल ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस हैज मैग्नीट्यूड। अब देखो बच्चे, पूछा इस चार्ज के रखने से यहां पे क्या होगा, इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा, इंड्यूस चार्जेस होगा, उनके वजह से क्या सेंटर पर क्या फील्ड बनता है निकालना। तो देखिए, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि नेट फील्ड इनसाइड ऑफ एनी कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा इंड्यूस्ड फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड जो चार्ज है दोनों मिला के जीरो कर दीजिए। और इसका रेडियस दे रखा है ना, तो ये कितना, ये तो आर हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस आर। इसका मतलब इंड्यूस की वजह से इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ, लेकिन मैग्नीट्यूड में लिखना है तो आप तुरंत लिख दीजिए माइनस, हटा दीजिए, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकली, नाउ इसकी वजह से क्या बनेगा के क्यूब, नाउ इसका डिस्टेंस कितना है ट्वाइस आर, स्क्वायर कर दीजिए, सो के क्यूब बाई 9r² 9r² के क्यूब बाई 9r² ऑप्शन नंबर 2, के क्यूब बाई 9r² ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से आप बना लीजिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली, देखिए चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड इट। नाउ अगेन फिगर, मतलब चार्ज इस प्रकार से है, डिस्ट्रीब्यूशन है इनसाइड क्यू चार्ज, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। यस, तो बच्चों पूछा है कि सरफेस से डिस्टेंस क्या होगा, तो लेट सपोज रेडियस इज आर, ठीक है, नाउ ये वाला डिस्टेंस एक्स, यहां पे पोटेंशियल निकालना है, सो यहां पर चले जाइए, डिस्टेंस कितना, यहां पे पूछा यहां पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। नाउ पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, सेंटर पे होता है 3/2 के क्यूब बाई आर, रिमेंबर इट, सेंटर पे इतना होता है, और यहां पर पोटेंशियल दे रखा है वीपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल सेंटर, क्या वी नॉट बाई 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 KQ/4R। यस, 4R पोटेंशियल। अब दोनों को बच्चों आप डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना, लिखते हैं, चलिए फॉर्मूला आ गया, वीपी इज इक्वल टू क्या मिला 3 KQ/, नीचे में क्या 4R। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे पोटेंशियल क्या फॉर्मूला लगाइए, यहां पे फॉर्मूला तो KQ, अच्छा तो यहां पे आप लिख दीजिए, लेट सपोज हमने माना है क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू मान लीजिए, सो कैपिटल क्यू लिखा है, क्यू दे रखा है, ये देख लीजिएगा, है ना, बोथ आर सेम थिंग, सो यहां फॉर्मूला लिखेंगे के क्यू, अब यहां से डिस्टेंस क्या हो गया आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 KQ/4R, है ना, हमने सेम माना है ये क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। अब बच्चों इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, सो 3R प्लस 3X इज इक्वल टू 4R, सो 3X इज इक्वल टू 4R माइनस 3R, सो 3X इज इक्वल टू R, X इज इक्वल टू R/3, तो रिजल्ट कम फॉर्म R/3, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आपने बनाया भी होगा, पोटेंशियल का सिंपल सा कंसेप्ट है, सेंटर पे थोड़ा याद रखिएगा, सेंटर के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट पी पे प्रॉब्लम दे रखा है, बना दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नाउ थ्री चार्जेस आर केप्ट अलोंग एक्स एक्सिस एट ए 0 पॉजिटिव, नाउ व्हाट इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, थ्री चार्जेस का एनर्जी लिखना है, तो आप थ्री पेयर बना के लिख दीजिए, सो एनर्जी इज इक्वल टू फर्स्ट पेयर प्लस सेकेंड पेयर प्लस थर्ड पेयर, विच इज इक्वल टू फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर, थ्री पेयर लिखिए। तो बच्चों
फर्स्ट पेयर का एनर्जी होगा माइनस की क्यू स्क्वायर बाई ए, सेकेंड पेयर का एनर्जी होगा अगेन के क्यू स्क्वायर बाई ए ही होगा, लास्ट पेयर होगा के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए। तो बच्चों यहां से आएगा टू के क्यू स्क्वायर बाई ए होगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए होगा। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे में ट्वाइस ए होगा और यहां से आ जाएगा फोर के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। सो आंसर इज माइनस थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए, माइनस थ्री बाई टू। अब चेक करो थ्री कहां पे है, माइनस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर टू जो है ये करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर टू जो है ये हमको करेक्ट दिख रहा है, ये माइनस लग रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे देखिए सॉल्यूशन अवेलेबल है, यहां से भी नोट कर सकते हैं आप। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई इन एक्स डायरेक्शन। मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्स डायरेक्शन। नाउ द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, 0.2 कूलम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डिस्टेंस इज गिवन 2 मीटर, अलोंग एंगल इज गिवन 60 डिग्री। मतलब चार्ज ऐसे जा रहा है बच्चों, चार्ज ऐसे जा रहा है, ऐसे चार्ज, नाउ चार्ज ऐसे गया 60 डिग्री। वर्क डन इज गिवन 4 जूल। नाउ बच्चों वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यस लिखिए वर्क डन इज इक्वल टू, सिंस फील्ड इज अ कांस्टेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डी कॉस थीटा, एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई डी कॉस थीटा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू फाइंड, सो डब्ल्यू अपॉन क्यू डी कॉस थीटा। नाउ पुट द वैल्यू, वर्क डन इज 4, चार्ज इज 0.2, and what is distance, distance is 2 meter and cos 60 degree। so bachcho yahan se aap nikal sakte hain, yahan se convince kijiye ye 0.2 into 2 into half, isko cancel kar dijiye, so 40/2, so yahan se aa raha 20 newton per coulomb, isko check kijiye 20 after solving 20 newton। to best option kaun sa mila, ऑप्शन नंबर 4 जो है 20 आर बेस्ट ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको आ रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग चार्ज क्यू एंड रेडियस आर इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज यस। देखिए क्या दे रखा है, स्मॉल स्फीयर इज केप्ट इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, मतलब हॉलो, यस ये प्रॉब्लम इज इट, क्यू चार्ज इज क्यू, नाउ रेडियस इज आर, नाउ रेडियस इज कैपिटल आर, इट इज गिवन। तो बच्चों व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर इज इक्वल टू के क्यू 1/r माइनस 1/R, दिस इज द फॉर्मूला। दोनों के बीच ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नाउ चेक कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज ऑन इनर स्फीयर, अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड करता है। अब ऑप्शन पे चाहिए कैपिटल क्यू, नो दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, यस तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, प्रोपोर्शनल टू क्यू, यस। अगर ये चार्ज का वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, अगर ये वैल्यू आप कम करते हैं चार्ज का वैल्यू तो ये भी क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज व्हिच स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ कोर्स करेक्ट, स्टेटमेंट तो सही, कैपेसिटर डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों प्लेट के बीच में करता है। दूसरा देखिए, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑलवेज जीरो, यस नेट चार्ज, कैपेसिटर तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अब यहां पर देखिए, देखिए ये जो स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 जो है ना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप इसको चेक कर लीजिए। सो कौन सा सही है, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 इज बेस्ट वन, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आई होप आपको क्लियर आया भाई, दोनों आपस में सही है,
लेकिन ये जो रीजन है ये करेक्ट नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, दोनों आपस में सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू पे जाना है, देखना है। द वर्क डन इन मूविंग एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए, जब भी किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं किसी भी पॉइंट के बीच में, जैसे ए और बी, किसी भी पॉइंट के बीच में अगर किसी चार्ज को आप मूव करवाएंगे, किसी चार्ज को आप मूव करवाते हैं, तो वर्क डन क्या होता है? सिंपल सा परिभाषा है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नाउ फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस पे करता है, मैग्नीट्यूड पे करता है, ठीक है, लेकिन मास पे नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा? मास डज नॉट डिपेंड ऑन, है ना? तो ये सही है। बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर वन, मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर वन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू कूलम ऑन सरफेस ऑफ गिवन चार्ज कंडक्टर ऑफ पोटेंशियल। नाउ मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट ले लो वन, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो टू। नाउ व्हाट इज अ वर्क डन? अगर किसी चार्ज को हमको यहाँ से यहाँ ले जाना है तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा? तो सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ, कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। इसका मतलब क्या? हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। अगर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, इसका मतलब पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा, वर्क डन जीरो होगा। तो आप सिंपल लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू चेंज, बट चेंज इज जीरो, देयरफॉर वर्क इज जीरो, बस। तो बच्चा बेस्ट ऑप्शन देखिए, ये तो नहीं होगा, आंसर इज जीरो। क्यों? क्योंकि कंडक्टर एग्जाम्पल होता है इक्वी पोटेंशियल का, इसलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना, तो सिंपल सा ट्रिक है बच्चों। सबसे पहले वेलोसिटी निकालिए, डी एक्स बाई डी टी लिखिए। सो डी बाई डी टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन टी बाई टू माइनस ए टू टी स्क्वायर बाई थ्री के जी। सो वी इज इक्वल टू, चलिए देखिए यह कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा। हाँ, इसका तो जरूर होगा। सो कितना आएगा? ए वन बाई टू आएगा, और बच्चों यहां से देखिए ये स्क्वायर है ना, ट्वाइस ए टू बाई थ्री कर। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अगेन इसको डिफरेंशिएशन कीजिए एक बार, तो डिफरेंशिएशन करने पे ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा बच्चा लोग। तो आंसर जो होगा, एक्सेलरेशन होगा माइनस टू ए टू अपॉन थ्री, बेस्ट आंसर। ये देखिए आपको सिंपली क्या करना है, टाइम का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो रिजल्ट आया ऑप्शन नंबर फोर पे, टिक पे ये आ रहा, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने जरूर बनाया होगा ये, तो भाई ये सभी बच्चे ने बनाया होगा, एक्सटेंशन उनका फेवरेट टॉपिक होता है ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे, ये एक कार रन्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। अच्छा, रेडियस लिख लीजिए, कितना दे रखा है? 100 मीटर इज द रेडियस। टेकिंग टाइम फॉर एवरी रिवोल्यूशन, एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो टाइम दे रखा है फॉर 162.8 सेकेंड, ये टाइम दे रखा है। ना बच्चों, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। देखिए सिंपल टॉपिक है कि भाई एक बार चक्कर लगाने में क्या होगा एवरेज स्पीड, क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगा एक चक्कर लगाने पे। तो ऑफ कोर्स मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, लेट सपोज मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है और ऐसे घूमते घूमते यहीं पाया है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिसप्लेसमेंट बाई टाइम। लेकिन बच्चों जहां से चला था वहीं पे तो आ जाएगा एक रिवोल्यूशन में, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब ये जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो लिखिए। अब एवरेज स्पीड की बारी, नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, एक रिवोल्यूशन में कितना चलता है, ट्वाइस पाई आर तो चलता है, तो आप लोग तो लिखेंगे ट्वाइस पाई आर अपॉन टाइम टी। नाउ 2 इंटू 3.14 इंटू 100 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 62.8। तो बच्चों यहां से देखने को मिलेगा 6 to 8 डिवाइडेड बाय 62.8। आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा बच्चा, 10 मीटर पर सेकेंड मैथमेटिक्स। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, एक चक्कर लगाने में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन यस डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर। यस, इफ द सेम कार इज मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर देन स्टॉपिंग डिस्टेंस। यस, अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, आप सभी बच्चों को आता होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, बस ये कॉन्सेप्ट। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, मैथमेटिक्स देखिए दे रखा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी। नाउ इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल। नाउ हमको S2 निकालना है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये रिजल्ट आएगा। पुट द वैल्यू 40, फाइनल 40, इनिशियल 20। नाउ डिस्टेंस कितना मिला, 20 मीटर इज द डिस्टेंस। तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 29, द वीटी ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। नाउ वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट द एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो आप सिंपल सा यहां पे एरिया निकालना पड़ेगा, तो मार्क कर दीजिए कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकाल दिस एरिया। बस देखिए 4 सेकेंड तक पूछा है ना, 4 सेकेंड मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, एरिया निकालना है। अब बच्चों देखिए यहां से लेके यहां तक एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो यहां से निकाल दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस और हाइट 8, तो यहां दिख रहा होगा 16 मीटर। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, 16 मीटर इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 2 होगा। सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको सिंपली टाइम के हिसाब से इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है, इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है, वहां तक का एरिया निकाल दीजिए, वह एरिया डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 30, देखिए बच्चों, टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट एट 1 सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम, टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड, तो लेट सपोज सेम हाइट टू बॉल्स आर ड्रॉप, फर्स्ट बॉल ए, नाउ सेकेंड बॉल बी, दोनों के बीच टाइम गैप क्या है, 1 इंटरवल, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है ना, देखिए टाइम का गैप क्या है, दोनों के बीच टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल, 1 सेकेंड दोनों के बीच, इसको पहले ड्रॉप किया गया फर्स्ट बॉल, इसको ड्रॉप किया गया, यहां आएगा, यस ठीक है, ऐसा कुछ होगा बॉल ए एंड बॉल बी, ठीक है। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ ड्रॉप ऑफ फर्स्ट बॉल, मतलब देखिए 3 सेकेंड के बाद फर्स्ट बॉल को 3 सेकेंड ड्रॉप करने के बाद दोनों के बीच सेपरेशन क्या होता है, सिंपल है बच्चों आप लगाइए यहां पर, सो एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। आप सिंपल स्टार्ट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 होगा। नाउ सो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, नाउ अगेन ए इज इक्वल टू जी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ड्रॉपिंग 0 विच इज इक्वल टू
हाफ इंटू टेन इंटू, नाउ व्हाट इज द टाइम? तो इसके लिए टाइम कितना होगा? इसके लिए टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, और इसके लिए टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड बाद इसको ड्रॉप किया गया, तो यहां पे इसके लिए टाइम की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1 सेकेंड कम, 2 सेकेंड लिखना होगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, 3 सेकेंड कैंसिल कीजिए, 5, ऐसे आ गया 9 × 5 45 मीटर, 45 मीटर। मतलब ये जो बॉल है ना, ये 45 मीटर पे होगा, कहीं 45 मीटर पे होगा, ये 45 मीटर पे होगा, अभी टकरा तो नहीं रहा होगा, 45 मीटर पे होगा ऐसा। नाउ सेकेंड बॉल एस बी निकाल दीजिए, अगेन 0 होगा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो सेम होगा, टाइम कीजिए। नाउ इसके लिए जो टाइम होगा वह 1 सेकेंड कम होगा, तो कितना लिखेंगे? 2 का स्क्वायर कर दीजिए, अगेन 5 कीजिए, एस बी आ गया 5 × 4 20 मीटर। तो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है गया? 45, और ये कितना नीचे गया? ये गया है 20 मीटर। तो सेपरेशन क्या हो गया दोनों के बीच? तो सेपरेशन, जो सेपरेशन आएगा, सेपरेशन इज इक्वल टू डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालिए, एस ए माइनस एस बी कीजिए, कितना? 45 माइनस 20, 25 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, 25 मीटर सेपरेशन। चेक कर लीजिए। नाउ बच्चों नेक्स्ट है 31। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ टू पार्टिकल ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल रिस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी आर गिवन, नाउ व्हाट शुड बी द रेशियो। नाउ देखिए क्या देखा कि दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 1। अच्छा नाम दे रखा है ए और बी, लेट सपोज ए एंड बी, ये दे रखा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। नाउ एंगल यहां पे अवेलेबल है 30 और 60, लेट सपोज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों आप लोगों को जानते ही आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो डायरेक्ट लिखते हैं है ना, सो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री बाई टेन 60 डिग्री। नाउ ये कितना होता है? 1/√3 और रूट थ्री। तो बच्चों वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू 1/3। सो बेस्ट ऑप्शन चेक कीजिए, 1/3, और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार से आपको बनाना है 31। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी आपको लिखना है, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट। यहां भी अवेलेबल है, देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, ठीक है, जीरो लिख दीजिए, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यस, तो बच्चों ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट दे रखा है, ए इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट इट्स मोशन, कौन सा ग्राफ उस बॉडी का मोशन को रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए ए तो कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ इज इक्वल टू यू प्लस एटी चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट v इज इक्वल टू 80। नाउ क्या वाई पे v रखा है, m इंटू एक्स कीजिए, आई होप क्लियर है। स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से होगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों तो हाँ, इन दोनों में ये वाला हो सकता था लेकिन इनिशियल जीरो है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बच्चों वो सही होगा, इनिशियल वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 33। द एक्सीलरेशन ए ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यस रेस्ट इज गिवन, रेस्ट मींस यू इज इक्वल टू जीरो,
With time, according to equation is given, the velocity of the particle after time t. Now we have to find velocity with the help of acceleration. तो बच्चों a is equal to alpha t plus beta, which should be the option for velocity. तो देखिए acceleration से velocity निकालना है तो integration करना होगा, है ना? तो यहाँ लिख दीजिए a. We know a is equal to dv by dt. I hope आप सभी जानते हैं alpha plus beta. Now dv is equal to plus beta dt. इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए. तो dv is equal to alpha t dt plus beta dt. Now ultimately integration done. Integration कर दीजिए. तो beta dt जीरो, इनिशियल इज जीरो, जीरो है ना, जीरो टाइम टी टाइम, टी टाइम. सो वी इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी. अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी. ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर फोर बच्चों आ गया है. तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं. अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो वेलोसिटी कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन करेंगे. फॉर्मूला यहां से अवेलेबल है, इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी. ऐसा कर यहां से भी नोट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड इज. तो बच्चों एक काम कीजिए, ऐसे लिखिए. रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये रिलेशन होता है. अब इसको ना दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय टाइम. तो बच्चों यहां जाएगा एवरेज स्पीड और यह आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी. यस, तो क्या साबित हुआ, एवरेज स्पीड क्या होता है, या तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा नहीं तो इसके बराबर हो सकता है. तो ऑप्शन देखिए, इक्वल टू, यस इक्वल टू और लेस देन वन. इक्वल टू लेस देन वन है ना, इसको आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिए. एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड, यस ये आपको ऐसे मिला है. अब बड़े आराम से इसको डिवाइड कीजिए. तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा बच्चा, ऑलवेज तो नहीं होगा, इक्वल टू यस और लेस देन वन होगा. ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हमको देखने को मिला है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 35, नाउ मैच द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन द कॉलम वन विद द कॉरस्पॉन्डिंग इन कॉलम टू. मैच करना भाई, मैच तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना. आप लोग तो देखिए, पढ़िए बारी बारी से पढ़िए. इस कॉलम देखिए क्या दे. देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, अब किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू द कॉलम टू, कॉलम टू के हिसाब से. तो देखिए क्या देखना है, यस मिला, पढ़िए. डिपेंड्स मैग्नीट्यूड स्पीडोमीटर, यस एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यस बोलेंगे. इसका मतलब ए मार्क कीजिए, ए गया कहां, एस पे गया. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, सिंपल. नाउ सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. ऐसे आइडेंटिफाई कर लीजिए क्या होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल, जो डिस्टेंस होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या इक्वल होता है. तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन पे जाइए और देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है. ऑप्शन नंबर क्यू, ये वाला सी क्यू, ठीक है. इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से, मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से. और स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए ऑटोमोबाइल किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे करता है. इसका मतलब इसको ले जाइए, इससे मिलाइए. अब ऑप्शन चेक कीजिए, ए कहां गया, ए गया है एस पे गया. देखिए ए एस पे गया, ठीक है. बी कहां गया है, टी पे गया है, टी से मिला है. सी को कहां मिला, क्यू मिला है. डी कहां गया बच्चा लोग, डी गया है आर. और ये ई गया है पी. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन जो है, करेक्ट वन चेक कर लो ऑप्शन नंबर वन. दो कॉलम को देखना, स्टडी करना है, फिर इसको मैच कर देना.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट एट डिफरेंट एंगल विद द सेम स्पीड यू and has same range in both the cases. If H1, H2 are the height attained in two cases, then देखिए दे रखा है कि एक बॉल को अलग अलग एंगल पे थ्रो किया जाता है, इस प्रकार से थ्रो किया गया है ताकि रेंज बराबर होता है। तो आई होप सभी को याद होगा कि अगर सेम स्पीड रखा जाए और रेंज सेम आता है, इसका मतलब एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट एंगल θ1 इज थीटा एंड सेकेंड एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तब जाकर रेंज सेम होगा। रेंज सेम देखिए दे रखा है ना। नाउ मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला, नाउ द फर्स्ट बॉल मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस जी। नाउ फॉर द सेकेंड केस मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई ट्वाइस। अब बच्चों दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया हुआ है तो आई होप H1 प्लस H2 कर दीजिए, यू स्क्वायर स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस यू स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर क्या कॉस हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। नाउ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स यू स्क्वायर 2g यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पीछे, नाउ यू स्क्वायर बाई ऐसे क्यों, क्योंकि ये तो वन होता है ना, ये तो वन होता है, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो बेस्ट ऑप्शन चेक कीजिए यू स्क्वायर बाई 2g। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, यस ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यू स्क्वायर बाई ऐसे। तो इस प्रकार से आपने इसको जरूर बनाया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों देखना है, टू बॉडीज आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट देयर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज सेम, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट प्रोजेक्शन। यस, तो बच्चों दो ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया गया है, व्हाट इज एंगल 45 डिग्री, नाउ सेकेंड वन व्हाट इज द एंगल 60 डिग्री, इन बोथ द केसेस H1 इज इक्वल टू H2। Yes, it is given. Now, what is the ratio of velocity at projection? Now, ratio of velocity, let's suppose U1, U2. बस हम लोगों को ये निकालें, 45 degree and 60 degree. तो चले बच्चों, start किया जाए, लिखिए आप, simple सा ratio. So, बच्चों, H1 sine square degree और H2 U2 square साइन स्क्वायर 60 बाई 2 इज गिवन, मैक्सिमम रेंज आर सेम, नाउ सेम रेंज सॉरी मैक्सिमम हाइट इज सेम, हाइट सेम है, सो बच्चों यहां से हाइट बराबर कीजिए, H1 इज इक्वल टू H2, सो U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g इज इक्वल टू U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाई 2g। नाउ कैंसिल आउट, कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे जो कैंसिलिंग है यू, अच्छा 2g कैंसिल हो जाएगा, जस्ट फॉर अ सेकेंड बच्चों यहाँ पे कैंसिल करना है, कौन सा कैंसिल होगा, 2g कैंसिल होगा, बाकी तो कैंसिल नहीं होगा, un स्क्वायर u2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 बाई साइन स्क्वायर 45। अब इसको देखिए √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 और ऊपर गया 2 तो कैंसिल कीजिए 2 मिला, तो u1/u2 इज रूट, आंसर ये ऑप्शन आप चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चे लोग, ऑप्शन 1 नहीं ऑप्शन 2, यस ऑप्शन 2 यहाँ पे, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन, गो फॉर ऑप्शन 2, ऐसे आपने बनाया होगा ऑप्शन 2। नाउ बच्चों नेक्स्ट 38। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल fire at an angle 45 degree, then what is its kinetic energy at the highest point? highest point पे kinetic energy क्या होगा? चलिए बना लेते हैं, highest point पे क्या speed होता है पहले इसको तो देख लें, highest point पे आ जाइए, now at the highest point and point of projection let's suppose u, angle is 45 degree, now and suppose mass
Now at the time of projection, what is the kinetic energy? K is equal to, I hope, mv square by 2, you know, mu square by 2, let's suppose, ठीक है. Now at maximum height, only horizontal component is present, vertical component तो होता नहीं है, तो अब maximum height पे चले जाइए. So maximum height पर kinetic energy, maximum height is equal to m by 2 u cos theta का square. So at maximum height, m by 2 u square cos square 45 degree. Now यहां value put कीजिए, u square by 2 into cos square, so root 2 square कीजिए. So initial kinetic energy by 2, answer क्या मिला, ये initial kinetic energy by 2. So देखिए option number 2 जो है correct option है, kinetic energy by 2, ये option देख रहा. कुछ नहीं, सिंपल सा ट्रिक था. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना, मैक्सिमम हाइट पे जाना है. मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी में ये कंपोनेंट होगा और यहाँ लिखना है. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ होता है, प्रोजेक्शन से आधा होता है. तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए बॉल थ्रोन बाई वन प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. देखिए बॉल को यहां से फेंका गया है, क्या दे रखा है, बॉल को इस पॉइंट ए से फेंका गया है और यहाँ पे बॉल आ रहा है, है ना, ये इट इज गिवन टू अस, ऐसा दे रखा है, इट इज गिवन टू अस. और यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड. नाउ ये जो टाइम दे रखा है इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड, इट इज गिवन टू अस टाइम ऑफ फ्लाइट. तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा. नाउ देयर इज सम एंगल आल्सो, एंगल भी होगा. तो बच्चों मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन, टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन, वी कैन राइट टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 2 सेकेंड. नाउ फ्रॉम हियर यहाँ वैल्यू पुट करिए, 2u sin थीटा 2 इंटू जी ट्वाइस जी, सो यू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू 10. ये वैल्यू नोट कर लीजिए 10. अब इसको आपको लिखना 10. नाउ मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला, पुट वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. नाउ पुट द वैल्यू 10 का स्क्वायर कीजिए, नीचे में 2 × 10 कर दीजिए. सो बच्चों ये आएगा 100/20, विच इज इक्वल टू 5 मीटर. आई होप आपने इसको बनाया होगा, 5 मीटर हम लोगों को मिला. तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं ना, इसका सॉल्यूशन अवेलेबल. चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट चार्ज एट द इनिशियल पॉइंट. यस यहां पर वेलोसिटी दे रखा है. नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या होता है. बच्चों क्या होता है कि यहां पर जो वेलोसिटी है, एक्स कंपोनेंट का भी चेंज नहीं होता है ना, तो एक्स कंपोनेंट तो यही होगा, वाई कंपोनेंट इस यहां पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, है ना, यहाँ पर रिवर्स होगा डायरेक्शन. यू साइन थीटा थी, ये भी क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, ठीक है, डायरेक्शन खाली रिवर्स होता है. तो देखिए अगर ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 2i + 3j. नाउ फाइनल वेलोसिटी बी पर आप क्या लिखेंगे, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, 2i होगा ना, ये चेंज नहीं होगा. ये वेलोसिटी क्या, ओनली मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन में रिवर्स कर जाता है, डायरेक्शन में उल्टा हो जाता है. तो आपको लिखना होगा, इसको उल्टा कीजिए, क्या होगा, -3j. नाउ ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2i - 3j. देखिए कौन सा है बच्चा, 2i. यस ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा, 2i - 3j. आई होप आपको आ रहा होगा समझ में. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम 41, द एक्शन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन. बच्चों नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन. तो बच्चों एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्स को लिखेंगे 70 + 4t². नाउ व्हाट इज वी एक्स सर, वी एक्स देखिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे 7 आएगा बच्चों, अब यहां से आएगा 8t आ जाएगा. अगेन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स कंपोनेंट आएगा, ये 0 आएगा, ये 8 आएगा. तो बच्चों ax आ गया 8, ठीक है. नाउ यहां पर जो y अवेलेबल है कितना है, 5t. अगेन vy निकालिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, परंतु ay क्या आएगा, 0 आएगा. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू √x² + y² विच इज इक्वल टू बच्चों ax विच इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 8 m/s². आपको आया होगा, सिंपल सा पोजीशन गिवन है, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन.
अगेन पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट एक्सेलरेशन कहाँ गए सेपरेटली, दोनों को जानते हैं वेक्टर में किस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, निकाल दीजिए कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 42 पे आइए। अगेन बच्चों मैच द कॉलम दे रखा है, मैच कीजिए। तो देखिए एक्सलरेशन ऑफ ए पार्टिकल पार्टिकल मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सलरेशन जीरो होगा, इसलिए सिंपल है टिक कीजिए नल वेक्टर आर, ए आर हो गया है ना, यहां से लिखिए ए आर हुआ। ठीक है नाउ टाइम, टाइम क्या होता है चेक कीजिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हाइएस्ट पॉइंट, इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस। सो ऑप्शन बी जो है एस में चला गया, एस एस में जा रहा। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यस टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब सी कहां मैच कर रहा है, पी पे जा रहा है, और एंगल बिटवीन, यस एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहां 90 डिग्री होता है प्रोजेक्टाइल में, मैक्सिमम हाइट पे होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। तो यहां पे क्या गया बच्चों, डी जो है वो आ गया ऑप्शन नंबर क्यू। ना उसको चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए आर, ए आर हो गया, बी एस गया, सी पी गया। तो यहां से चेक करने पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। The velocity time graph of the two particles P1 and P2 are shown in the adjoining figure. The relative velocity of the time. Now relative velocity आप बच्चों को निकालना है, relative velocity क्या होगा? तो देखिए relative velocity क्या होता है? Relative velocity Vr is equal to simple V1 minus V2 कीजिए, या यहाँ पर कर सकते हैं Vr is equal to V2 minus V1 anyone magnitude, यहाँ पर देख लेंगे चेक करेंगे magnitude लिखना है। तो ठीक है अब यहाँ पर बच्चों VT का ग्राफ दे रखा है ना, फ्रॉम VT ग्राफ, अगर VT का ग्राफ दे रखा है तो VT का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, P1 पार्टिकल P1 है ना, ये जो पार्टिकल है इसका क्या एंगल है, स्लोप क्या है 30 डिग्री। तो इसका निकाल दीजिए tan 30 डिग्री, क्या 1/√3। नाउ A2, अब बच्चों A2 पे जाइए, A2 क्या होगा सेकेंड पार्टिकल का, देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या दे रखा है tan 60√3। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी निकालना एट टाइम टी, सो बच्चों लिखना है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू, एट टाइम टी इज इक्वल टू, दोनों का ये जीरो है ना, इनिशियल दोनों का वेलोसिटी जीरो है, कैसे मालूम सर, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रखा है, यहां से स्टार्ट हो रखा है ना। तो यहां से बच्चों लिखेंगे हम डायरेक्ट A1 into t, नाउ क्या आ जाएगा 1/√3t आ जाएगा। नाउ V2 इज इक्वल टू A2 into t कीजिएगा, सो √3t आ जाएगा। Now according to the magnitude V2 is more than V1, तो आप लिख दीजिए relative velocity is equal to, only magnitude के बारे में जाइए V2 minus V1 कीजिए, √3t minus 1/√3t कीजिए। Now इसको solve कर दीजिए, तो t को बाहर निकालिए 3 minus 1 √3, so बच्चों 2t/√3, so 2 by √3t, ऑप्शन चेक कीजिए 2 पर में होना चाहिए, इसमें तो नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, 2/√3 × t कर दीजिए। आई होप आपने जरूर बनाया होगा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, आपको आया है समझ लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द टू पार्टिकल P1 P2 आर अगेन शोन इन द फिगर, नाउ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। देखिए फिर से वीटी ग्राफ दे रखा है, फिर से क्या पूछा कि दोनों पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उनका रेशियो बताइए। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है किसी टाइम पर ut + ½ at² परंतु देखिए दोनों का लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रखा है, इसका मतलब ये तो जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, s = ½ at² ऐसे लिख दीजिए। मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है ना, ऐसे मान लीजिए। और फिर से अगेन वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, s1 by s2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे ½ a1 t² इज इक्वल टू ½ a2 t². नाउ अगर हम कैंसिल करें तो बच्चों s1 by s2 इज इक्वल टू
ए1 बाई ए2, बस ये आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ यहां से क्या हम निकालेंगे, एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन विच इज इक्वल टू टेन थीटा, ये कॉन्सेप्ट। तो यहां से लिख दीजिए S1 बाई S2 इज इक्वल टू A1। व्हाट इज A1? अकॉर्डिंग टू द फिगर टेन 30 डिग्री, अकॉर्डिंग टू द फिगर। और दूसरा क्या होगा बच्चा लोग, तो सेकेंड वाले केस में यहां पे हम लोग A2, तो सेकेंड वाले केस में हम लोग लिखेंगे टेन 60 डिग्री। तो क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। S1 बाई S2 इज इक्वल टू, तो 1:3 अगर ऐसे निकाला जाए तो 1:3 आता है। सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, यस ऑप्शन 1:3 चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर 1:3। तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं 1:3 द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय एनी इंस्टेंट। यहां पे हालांकि ये मेंशन नहीं है S1 बाई S2 निकालना है कि S2 बाई, है ना, S1 निकालना है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1/3 आप लिख पाएंगे यहां पर 60 डिग्री। तो ऑप्शन यहां पे अगर नहीं दे रखा है तो हमको यही मान के चलना चाहिए, यस हमको तो ये मान के चलना चाहिए S1/S2 ही होगा। ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 पे हम जाएंगे और इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। 1:3 हमको देखने को मिला है ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, ए पार्टिकल इज फायर विद अ वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द चेंज इन स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। नाउ सपोज व्हाट इज द चेंज इन स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर जाइए और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या चेंज होगा, अगर इनिशियल स्पीड यू, एंगल इज थीटा, नाउ हाईएस्ट पॉइंट यू कॉस थीटा। देखिए चेंज इन स्पीड, यहां पर ए पॉइंट लेट पॉइंट डी, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, तो चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड दे रखा है, यू कॉस थीटा, सिंपल लिखिए यू कॉस थीटा है और इनिशियल स्पीड क्या है, माइनस यू। तो यही हो गया चेंज इन स्पीड। कहाँ पे पूछा है चेंज इन स्पीड, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होता है, स्पीड पूछा है, वेलोसिटी नहीं, डायरेक्शन नहीं लेना, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा माइनस यू। तो आंसर आप चेक कीजिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों करेक्ट लग रहा है, u cos थीटा माइनस u, माइनस u कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन देन। देखिए अगर किसी पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होता है तो हम इसे क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे। देखिए अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन कांस्टेंट, मोशन डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अगर दो केस होगा कि भाई डायरेक्शन चेंज हो सकता है और दूसरा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा, दो केस। इसका मतलब क्या, अगर डायरेक्शन चेंज होता रहेगा तो वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। जैसे ही डायरेक्शन चेंज नहीं होगा वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, नो मस्ट तो नहीं हो, मस्ट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, यस ये दिख रहा है कि हो सकता है वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, ऑफकोर्स मे और मे नॉट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, नहीं मस्ट तो नहीं होगा ना आंसर। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस वाले केस में बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इन दिस ग्राफ शोन इन द फिगर व्हिच क्वांटिटी एसोसिएटेड विद प्रोजेक्टाइल मोशन इज प्लॉटेड। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यहां पे कौन सा क्वांटिटी वाई पे रखना है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये देखिए क्या बता रहा है कि टाइम पर रिस्पेक्ट में ये जो क्वांटिटी है वह टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये तो चेंज होता है जब प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करते हैं, धीरे धीरे स्पीड कम होते जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम, यस मोमेंटम चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लॉट होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लॉट, ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 47, नाउ क्वेश्चन नंबर 48,
एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन आर वी एन यू, ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इन वी। देखिए अगर पूछा है किसी का, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे रखा है, नाउ स्पीड इंक्रीज करना है, स्पीड इंक्रीज करना है, स्पीड बढ़ाना है। तो बच्चों स्पीड कब इंक्रीज होता है, कंडीशन क्या है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल हो तो स्पीड इंक्रीज होता है, अगर दोनों एंटी पैरेलल होता है स्पीड डिक्रीज होता है। इसका मतलब या तो ऐसे होगा कि दोनों का सेम डायरेक्शन लिखेंगे, या बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव होगा, ठीक है। ना ऑप्शन में चेक कीजिए क्या दोनों है, इसमें तो अलग अलग है, ये नहीं है होगा, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर वन जो है करेक्ट दिख रहा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी का वही एक्सेलरेशन का है, ऑप्शन नंबर वन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए, फॉर मूविंग पार्टिकल, घूमता हुआ पार्टिकल, चल रहा पार्टिकल, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो, यस, अगर पार्टिकल ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस जो है वो निगेटिव तो कभी होना नहीं, जीरो तो होगा नहीं, चल रहा है तो डिस्टेंस तो होगा कुछ। नाउ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, कंफर्म है कि डिस्टेंस स्केलर होता है इसलिए वो तो निगेटिव होगा नहीं, यहाँ पे है ना, वो निगेटिव नहीं होता है, और डिक्रीज विद टाइम फॉर मूविंग, टाइम का रिस्पेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा इंक्रीज होगा मूविंग के लिए, है ना। तो ये भाई इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो बच्चों क्या लिखेंगे, बोथ आर करेक्ट और रीजन सही है, ऑप्शन नंबर वन पर जाइए क्योंकि ये वाला रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन नंबर वन जो है करेक्ट है। नाउ द लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 50, तो देखिए बच्चों ये क्या दे रखा है, टू प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टेड एट एंगल, ये दोनों एंगल अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल के साथ, सेम स्पीड, गौर कीजिए स्पीड क्या सेम, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय देम, रेंज क्या होता है, तो रेंज तो आप जानते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा, रेंज का फॉर्मूला। तो देखिए आपको क्या करना है कि दोनों एंगल को देखना है, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, ये चेक कर लीजिए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो रेंज अलग हो सकता है, उसके बाद रेशियो निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, अगर इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे 90 मिलेगा, ऐड करके देखिए पाई प्लस थीटा प्लस पाई बाई फोर माइनस थीटा ऐड कीजिए तो बच्चों पाई बाई टू आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो रेंज सेम होता है, आर वन इज इक्वल टू आर टू, इसका मतलब रेशियो क्या होगा, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू वन इज टू वन आपको करना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और बार बार देखिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।